डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे कई सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि सर मॉपअप राउंड कैसे होगा, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और क्या हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, कौन उसमें एलिजिबल होगा, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप पे हो, अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोगों का सवाल हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, पहले उनका मैं लेता हूँ। क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी आई एम एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड इफ़ आई गोट कॉलेज बट आई डिड नॉट एडमिट टू इट। इनका कहना है कि मुझे जो है सेकेंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज मिल गया था बट मैंने जो है एडमिशन नहीं करवाया, राइट? तो क्या मैं मॉपअप के लिए जा सकता हूँ या फिर नहीं? तो डेफिनेटली आप जा सकते हो डियर। पहले अब हम बात करते हैं मॉपअप काउंसलिंग है क्या। मॉपअप काउंसलिंग जो है ये ऑफलाइन होगा। इसके लिए आपको एक विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करना होगा। जब डेट आएगा तो आपको जो है, या नोटिस आएगा तो आपको बताया जाएगा कि कब से जो है विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करना है। तो एक लिंक आएगा, उसके थ्रू जो है आपको विलिंगनेस सबमिट करना है। विलिंगनेस सबमिट करने के बाद एक डेट शीट जारी किया जाता है कि कितने लोग विलिंगनेस सबमिट किए हैं, उनके अनुसार एक डेट शीट तैयार किया जाता है कि हाँ इतने लोगों को बुलाया गया है और इतना तारीख को आना है, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग डेट्स में जाने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि उस डेट शीट में अगर कोई स्टूडेंट यूआर कैटेगरी से है और उसका कोई कैटेगरी नहीं है, चाहे ईबीसी हो या आरसीजी हो, जो गर्ल्स लोग हैं उन लोगों का कोई कैटेगरी उनका नहीं है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक दिन बुलाया जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका यूआर रैंक भी होता है और कैटेगरी रैंक भी होता है। कैटेगरी रैंक में ओबीसी हो सकता है, ईबीसी हो सकता है, डीक्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे लोगों को दो दिन बुलाया जाता है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूआर भी हो, डीक्यू भी हो और ओबीसी या ईबीसी ये भी हो, तो उनको तीन दिन बुलाया जाएगा। तो ये रैंकिंग के अनुसार होता है। मान लीजिए कि जैसे इन्होंने स्टूडेंट ने पूछा था क्वेश्चंस कि मुझे कॉलेज मिल गया था, तो अगर इनको कॉलेज मिल गया था तो इनको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा मॉपअप में भी। मॉपअप में ये एक बेनिफिट होता है कि आपको जो है वहाँ पे बुलाया जाता है, आप जाइए, जो भी वहाँ पे स्टाफ बैठे हुए रहेंगे वो आपसे पूछेंगे कि बाबू अपना ब्रांच बताओ, आपको ब्रांच बताना है। वहाँ पे कई सारे लिस्ट आपको जो है सटे हुए रहेंगे या दिया हुआ लिखा हुआ रहेगा, जिसमें से वो देखेंगे कि हाँ इस ब्रांच में कोई भी कॉलेज में सीट खाली है या नहीं। अगर सीट खाली रहेगा तो आपको जो है वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अगर नहीं खाली रहेगा तो बोला जाएगा कि दूसरा ब्रांच अगर लेना है तो बताइए, नहीं तो इस ब्रांच में कहीं भी किसी भी कॉलेज में सीट खाली नहीं है, ठीक है। और वो भी चेक किया जाएगा कि आप अगर जनरल के स्टूडेंट सिर्फ हैं तो सिर्फ जनरल सीट देखा जाएगा, अगर आप कैटेगरी से भी आते हैं तो जनरल प्लस कैटेगरी दोनों सीट आपको देखा जाएगा, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो। वैसे ही मेरे पास कल शाम में एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि सर मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा यूआर रैंक है अप्रॉक्स 2600 के आसपास, तो क्या मुझे मॉपअप में कॉलेज मिल सकता है या नहीं? तो डियर, उतना हाई रैंक पे तो ओनली यूआर रैंक यानी जनरल रैंक पे कॉलेज मिलना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है कि मिल पाएगा। बट फिर भी जिनका भी है वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि नीचे वाले लोग नहीं जाते हैं, देखते हैं कि मुझे जो है कॉलेज जो मिल गया है चलो अच्छा है, परेशान होने से अच्छा है कि जो कॉलेज मिल गया उसमें पढ़ ले, ब्रांच तो मेरा जो सेम था वो तो मिल ही गया है। जिनको ब्रांच नहीं मिला है या अलग ब्रांच मिल गया वो आपका मॉपअप में जा सकते हैं, बट कई बार इस तरीके की चीज़ें होती है। उसके बाद
अब मॉपअप होगा कब, है ना? तो मॉपअप आपका जो है डेट अब ख़त्म हो चुका है, आज लास्ट डेट है आपका, है ना, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के डेट जैसे ही ख़त्म होंगे, उसके बाद 5 से 6 दिन, है ना, 5 से 6 दिन आपको वेट करना होगा। यह हो सकता है कि विद इन 5 to 6 डेज के अंदर आपको जो है नोटिस आ जाए विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करने का। ये डिपेंड करता है कि बोर्ड के स्टाफ जो हैं वो कितनी जल्दी कितने फुर्तीले से इस काम को करते हैं, ठीक है। तो मॉपअप राउंड में ये होता है। एक स्टूडेंट्स का ये भी सवाल था कि सर मॉपअप में अगर हम जाते हैं और हमको अलग कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या मॉपअप में पैसा भी लगेगा क्या? तो नहीं डियर, आपको 1 रुपया भी कहीं भी गवर्नमेंट के सिस्टम में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, आपको आने जाने में जो खर्च लग जाए वो अलग बात है, बट आपको किसी भी प्रोसेस का आपको पैसा नहीं देना है, कहीं पे भी कोई भी पैसा जो है आपका नहीं लगता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर काम को जो है कर सकते हैं, ठीक है। राइट, तो ये एक डिटेल्स अपडेट था, जो कि छोटे से अपडेट जो लोगों को क्वेश्चंस आ रहे थे उस पर मैंने जो है यहाँ पे आपको बताया। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हर तरीके का हेल्प हम और हमारी टीम की तरफ से किया जाएगा। थैंक यू।